खबर राजिम धमतरी से। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत की एक झलक पाने उमड़ा जन सैलाब। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से संबंध, खेती बचाओ आंदोलन समिति धमतरी। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में देश के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत की एक झलक पाने किसानों का जन सैलाब उमड़ा। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, बलवीर सिंह राजेवाल, बलदेव सिंह सिरसा, युद्धवीर सिंह, राजा राम त्रिपाठी समेत कई दिग्गज किसान नेता शिरकत कर अपने उद्बोधन में कहा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून और तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन सदी का सबसे लंबा और ऐतिहासिक आंदोलन है, जो देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व का ध्यान किसान की ओर आकर्षित किया है, जिसमें खेती बचाओ आंदोलन समिति के संस्थापक अधिवक्ता शत्रुघ्न साहू के नेतृत्व में धमतरी जिला से भी 100 पिकअप और अन्य वाहनों से 5,000 से भी अधिक किसान इस महापंचायत में शामिल हुए। जीतेंगे या मरेंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं के नारे के साथ आज 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के किसान नेताओं के संयुक्त विचार पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में रखा गया। किसान महापंचायत को सफल बनाने में धमतरी जिला के खेती बचाओ आंदोलन समिति के टिकेश्वर साहू, राम विशाल साहू, निशांत भट्ट, भुवनेश्वर साहू आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुछ भाई बीमारी तो बहुत है, आ जा कुछ नकली दवाई। हाँ आवेगी आवेगी, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ऐसा थोड़ा के धरती पार कुछ निकले ना। हाँ किसान को जेल में डाला जा रहा है, बढ़ेगी बढ़ेगी कुछ ना कुछ। अरे बीजेपी तो बीमारी है भाई, वो तो कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ कहेगी। कांग्रेस प्रायोजित है और कांग्रेस कह रही है कि और रहन दो सर, जो कोई मदद कर रहा है उसका प्रायोजित ही रहन दो भाई। ये कल आप लोगों ने बंद का आह्वान किया था। हाँ बंद का करा था, असर नहीं हुआ, कांग्रेस ने समर्थन किया लेकिन बंद कराने नहीं आए, क्या कहेंगे आपके साथ खुल और नहीं रहे? ठीक है जितना होगा उतना ठीक है, उन्होंने कहा तो ठीक है। बंद को सील बंद लिफाफा बंद होना थोड़ा होना था, जनता को आना जाना भी था या बिल्कुल सील बंद करना था? अरे बंद तो कल भाई पुलिस ने कर वो दिखा के बंद करा, वो जाम लग रहा, पुलिस ने बैरिकेटिंग करे वहां पे और ऐसे जाम दिखाया वो दिल्ली गुड़गांव का। ये सारे जालसाज लोग हैं भाई सरकार में जो बैठे, इनको जाना होगा। नहीं छत्तीसगढ़ में हाँ अब तक उनको मुआवजा नहीं मिला है, आज वो जानकारी करेंगे, वे जो किसान आएंगे उनसे जानकारी करेंगे, बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ तो उनसे बातचीत करेंगे मुआवजा क्यों नहीं मिला गया, अगर अधिग्रहण जमीन हुई तो मुआवजा मिलना चाहिए। अरे हम तो कांग्रेस सरकार है, सरकार तो सरकार ही हो भाई, सरकार तो सरकार ही है, इनका भी कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, ऐसा थोड़ा के ऐसे ही बच जाएगी सरकार है। करेंगे इसका भी करेंगे, मैं तो से दिल्ली वाले को देख लो, जिसने कानून बना के आधा देश बेच दिया उसमें भी ध्यान बना लो, मंडिया बेच दी मध्य प्रदेश की एक, और छत्तीसगढ़ की भी जो समस्या होगी वह उठेगी, और छत्तीसगढ़ भी देश का ही तो हिस्सा है, बड़ी समस्या MSP पे है। युगवीर सिंह को बुलवा लो, बड़ी समस्या MSP की है, पूरे देश की समस्या है, वह भी उठेगी, और छत्तीसगढ़ की जो भी समस्या छत्तीसगढ़ की होगी वह भी उठेगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी जा रही है,
धान खरीदी जा रही और सब हो रही, ऐसा कैसे हो जाएगा? यहाँ कहाँ से हो रहा है? और उससे ज्यादा दे रहे तो भाई ये जो कानून यहाँ पे है ये दूसरी जगह भी लागू हो, ठीक है? यहाँ वेजिटेबल्स का किसान है उसको कैसे और लाभ मिले, यहाँ क्या पॉलिसी और बढ़े उस पर बातचीत करेंगे, और जो भारत सरकार के कानून है उनका इफेक्ट यहाँ पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इफेक्ट उसका नहीं हो रहा, उनका भी होगा। तीन काले कानूनों का इफेक्ट पूरे देश में होगा। जब मध्य प्रदेश में हो रहा है, मंडियां बिकनी लग रही है, तो यहाँ पे भी इफेक्ट होगा। तीन काले कानून का इफेक्ट तो पूरे देश भर में होगा भाई। छत्तीसगढ़ भी तो इसी देश का हिस्सा है, ये यहाँ अलग कानून है। लड़ाई दिल्ली से भी है और यहाँ से भी कुछ होगी तो वह भी बात करेंगे, यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए धमतरी छत्तीसगढ़ से नीलाभ शुक्ला की रिपोर्ट। अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।